व्हॉइस न्यूज प्रवास सत्याचा। हर साल नया साल तेरे साथ मनाएंगे, हर साल नया साल तेरे साथ मनाएंगे, तू जितनी चाहे परीक्षा ले ले, हम तो शहीदे आएंगे, हम तो शहीदे आएंगे। नवीन वर्षाच्या स्वागताकरिता दानशूर साई भक्त बी ए बसवराजा यांच्या देणगीतून श्री साईबाबांचं समाधी मंदिर व मंदिर परिसरात आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात आली, तर जुन्या वर्षाला निरोप आणि नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी लाखो भाविकांनी साईनगरी इथं हजेरी लावली आहे। दरम्यान मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं, तर नवीन वर्षाच्या औचित्यावर महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री व तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रामदास राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सपत्नीक श्री साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं। श्री साईबाबा समाधी मंदिर हे 31 डिसेंबर रोजी रात्रभर दर्शनासाठी खुलं ठेवण्यात आल्यानं लाखो भाविक साईचरणी नतमस्तक झाले, तर वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी श्री साईबाबा मंदिरात श्री साई भक्तांची ओलट गर्दी पाहावयास मिळाली आहे। हर साल नया साल तेरे साथ मनाएंगे, हर साल नया साल तेरे साथ मनाएंगे, तू जितनी चाहे परीक्षा ले ले, हम तो शहीदी आएंगे, हम तो शहीदी आएंगे। तो सभी साई भक्तों को बाबा की शहीदी में और सारे साई भक्तों को हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि आप जानते हैं नया साल है, बहुत दूर दूर से बाबा के भक्त मानने वाले बाबा के पास बाबा के दर्शन से अपने नए साल की शुरुआत करते हैं, और जो कुछ लोग आ सके, कुछ डिवोटीज आ सके और जो नहीं आ सके उनको हमारी तरफ से बाबा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जय साईं।